आपको कॉलेज की वेबसाइट दिख रही है इसके, कॉलेज की वेबसाइट दिख रही है या नहीं दिख रही? कैसा? और आज जो है हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, वेब माइनिंग का प्रैक्टिकल क्या है। मैंने पहले भी कहा था कि वेब माइनिंग जो है एक टेक्निक है, जिस टेक्निक के थ्रू हम लोग जो है वेबसाइट से या वर्ल्ड वाइड वेब से जो इंफॉर्मेशन है उसके लिए नॉलेज, इंफॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करने के लिए हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, और उस इंफॉर्मेशन रिट्रीवल मैकेनिज्म जो है वो वेब माइनिंग है। ठीक है, और इस अच्छा कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा था कि टेक्नोलॉजी ऑफ वेब माइनिंग जो है वो टू डिफरेंट फेज में चलता है। पहला फेज जो है वो कंटेंट माइनिंग होता है, जिसके अंदर जो अवेलेबल कंटेंट होते हैं, कंटेंट हम चेक करते हैं क्या वो कंटेंट रिलेवेंट है और उसका यूजेज उस जगह जहां वो प्लेस है वो है या नहीं। दूसरा जो है माइनिंग होती है जिसको हम लोग स्ट्रक्चर माइनिंग भी कहते हैं, जिसमें हम लोग लिंक को चेक करते हैं, स्ट्रक्चर को चेक करते हैं और रूल्स को चेक करते हैं और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रक्चर और रूल है वो इफेक्टिव है या नहीं। और तीसरा होता है कि वेबसाइट पे जो कंटेंट होते हैं, कंटेंट के किस पेजेस का, किस वेब पेजेस का क्या यूजेज है, क्या उसका यूजेज है या भी नहीं। तो थ्री डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर सर क्या। सर थोड़ा लाउड बोलिए। आवाज नहीं आ रही है, कम नहीं सर, काम आ रही है बहुत। आ रही है। जी ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि वेबसाइट्स पे जो कंटेंट है, जो इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, उसको हम माइनिंग करने जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बाय। माइनिंग करने जा रहे हैं। इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये है, विनोद साउंड ऑन करो, मैं आज प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द थ्योरी। क्योंकि थ्री डिफरेंट डायमेंशन में मैंने बात किया था और आपके सामने अभी सुबोध कॉलेज की वेबसाइट है जिसको हम लोग माइंड करने जा रहे हैं। सुबोध कॉलेज की वेबसाइट को माइंड करने जा रहे हैं और इसमें ये कोशिश कर रहे हैं पता करने की क्या सुबोध कॉलेज की वेबसाइट कंटेंट से रिलेटेड ऑथेंटिकेट और रिलायबल है इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट। क्या सुबोध की वेबसाइट की जो लिंक है, जिस मतलब स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर रिलेवेंट है। और तीसरा क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आ रहा है कि वेबसाइट जो है सुबोध कॉलेज का, उसका वेबसाइट का कितना परसेंट पार्ट जो है यूजेज है इस वेबसाइट को लिंक करते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि ये कंट्रोल पैनल पर मैं जा नहीं जाऊंगा। अगर मैं कंट्रोल पैनल पर जाऊंगा तो आपको इससे यूजेज दे, लेकिन फर्स्ट और सेकंड का वही सर आपको मिल जाएगा। दूसरे स्ट्रक्चर में मैं कल नेक्स्ट क्लास में मैं इस कंट्रोल पैनल से भी जाके आपको दिखाऊंगा कि कैसे यूजेज माइनिंग काम करता है और कैसे वो वेब पेजेस का काम करता है। ठीक है, हो सकता है कि मैं आज ही दिखाऊं, लेकिन आप समझने की कोशिश करो कि जो हम बोल रहे हैं कि वेबसाइट के जो कंटेंट है, वेबसाइट के जो टैक्सोनॉमी है, जो वेबसाइट को वेब टैक्सोनॉमी है, वो थ्री डिफरेंट पैरामीटर में है। पहला टेक्स्ट माइनिंग मीन्स कंटेंट माइनिंग, दूसरा हमारा जो है वो है स्ट्रक्चर माइनिंग, और तीसरा जो है वो है यूजेज माइनिंग। ओके, तो ये जो माइनिंग करने का जो बात हम लोग कह रहे हैं, आखिर इससे क्या इम्पोर्टेंट क्या है, क्या स्ट्रक्चर है, क्यों हम लोग माइन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। वेबसाइट के बारे में सर? हाँ जी, वेबसाइट के बारे में सर कि क्या है, क्यों बनाई है, कैसे देखो बेटा, वेबसाइट काम कर रही है। देखो वेबसाइट होता क्या है बेटा, सबसे बड़ी बात ये है कि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट बनने जा रहे हैं और आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंफॉर्मेशन है, जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, उसको आप सही ढंग से ऑर्गेनाइज कर पा रहे हो। अगर इंफॉर्मेशन को सही ढंग से ऑर्गेनाइज नहीं करोगे तो जो यूजर्स हैं, क्योंकि आप जो इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर रहे हो उसी को हम लोग सर्विस कह रहे हैं, आईटी सर्विस। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस। ओके, डाउट क्लियर? यस सर, तो आईटी जो सर्विस यस सर। है और आईटी सर्विसेज का
एक पार्ट जो है ये जो इंफॉर्मेशन है, आप देखो कि ये जो वेबसाइट आपके सामने दिख रही है, इस वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन है या नहीं है? ऐसा और ये इंफॉर्मेशन कैसे बनी? टेक्नोलॉजी की मदद से बनी। यस सर। वो टेक्नोलॉजी क्या है? ये .NET हो सकता है, PHP हो सकता है, MySQL हो सकता है, या आपका जो है ओपन सोर्स Drupal हो सकता है, या मैजेंटो हो सकता है, या वर्डप्रेस हो सकता है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, मैं उस इंफॉर्मेशन को माइन करने की बात कर रहा हूँ। और कभी कभी जो केसेस है, ये तो अभी हमारे पास वेव है, अगर मैं आप अगर एज ए स्ट्रॉन्ग वॉलम बात करो, अभी आप इस स्मोर कॉलेज के बारे में जानते हो, लेकिन कल के डेट में हम ये बोले कि मेरे को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को चेक करनी है, क्या इसको करनी है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है उसको अगर हमको माइनिंग करनी है, तब तो आप कैसे निकालोगे? आपको आपके पास टेक्निक है कि आप उसकी वेबसाइट को सर्च करोगे। यस सर। जब हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को जब सर्च करते हैं, तो आप देखो ऑक्सफोर्ड कॉलेज की वेबसाइट से देखो, तब आपको लगेगा कि भैया ये क्या है, व्हाट इज दिस, कुछ चेंजेस दिख रही है आपको? कुछ चेंजेस है या नहीं है? है क्या नहीं? आपको अगर अभी मैंने कहा सुबोध कॉलेज की जो वेबसाइट है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, दोनों वेबसाइट आपके सामने है ना या नहीं है? यस सर। एक वेबसाइट आपके सुबोध कॉलेज की है, दूसरी वेबसाइट है। और जब हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जब देखते हैं, तो हमें कुछ अलग ही दिख रही है ना? जबकि अगर कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, तो ये दोनों वेबसाइट में जो इंफॉर्मेशन है वो कॉमन है, और वो इंफॉर्मेशन कॉमन क्या है, इसमें कॉमन ही क्या है, इस दोनों जगह नॉलेज का क्या कर रहे हैं हम लोग, नॉलेज को डिसमिनेट कर रहे हैं, नॉलेज को डिलीवरेट कर रहे हैं, नॉलेज को क्रिएट कर रहे हैं, नॉलेज को मैनेज कर रहे हैं। तो जो इंफॉर्मेशन है आपके पास, उन इंफॉर्मेशन को टेक्नोलॉजी के मदद से जब हम मैनेज करते हैं, तो एक प्रोडक्ट बनता है, एक प्रोडक्ट बनता है, जिस प्रोडक्ट को हम लोग पब्लिक को देते हैं, उसको हम लोग कह रहे हैं सर्विसेज। क्या करते हैं? सर्विसेज। और जब वो सर्विसेज फॉर्म में आ रहे हैं, तो ये वेबसाइट बन के आ गए। वेबसाइट बनाना क्या है, सर्विसेज है क्या नहीं है? वेबसाइट को डिजाइन करना, डेवलप करना और इंप्लीमेंट करना, वो सर्विसेज की श्रेणी में आते हैं या नहीं आते हैं? आते हैं सर। तो जब वेब हम आते हैं तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर चेक करें तो आप देखो कि यहाँ पे कुछ कॉलम्स हैं, ओपन करते हैं, एडमिशन ओपन है, और एडमिशन ओपन को जब हम क्लिक करते हैं, क्या होता है? कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है ना? अरे नहीं हो रहा है ना? क्यों नहीं हो रहा है? कभी अब तक क्यों नहीं हो रहा है? सिर्फ टेक्स्ट है, सिर्फ इमेज है, लिंक रिलेटेड नहीं है शायद। लिंक नहीं है, इसका मतलब ये जो है आपने डाला है, अगर यूजर को, यूजर उस पे जाता है और उसको इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है, तो इट इज अ वेरी वेरी रॉन्ग इंपैक्ट ना। यस सर। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से केवल हम बात करें, तो आप देखोगे कि जो इंफॉर्मेशन आपको मिली, वो इंफॉर्मेशन रिलेवेंट मिली क्या? Yes, sir, थोड़ी बहुत। दूसरी बात है, जो इंफॉर्मेशन रिलेवेंट है, क्या ये स्ट्रक्चर है क्या? No, स्ट्रक्चर है क्या? अरे स्ट्रक्चर है क्या? स्ट्रक्चर कैसे सर? स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जो डॉक्यूमेंट है, ये भी तो स्ट्रक्चर इंफॉर्मेशन है, देख रहे हो? यस सर।
मतलब अगर आप बात करते हैं, अगर हम ये भी ऑनलाइन भेज रहा है ये डेटा और जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है किस ढंग से प्रेजेंट किया है और आपने भी प्रेजेंट किया, दोनों में अंतर है या नहीं? यस सर, क्या ये इन्फॉर्मेशन इस तरह से हम लोग नहीं अरेंज कर सकते थे? कर सकते थे ना, कर सकते थे सर। यस सर, क्यों नहीं किया? वो तो वेबसाइट में सर्विस वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह से वो मैनेज कर रहे हैं। आज के डेट में तो सर्विस हम लोग भी देने वाले होंगे ना आगे चल के। यस सर, कि कोई और देगा? हमें देना है, आपको सर्विस देना है। तो आप ये बात समझिए कि जो कंटेंट है, जो कंटेंट है, इमेज ग्राफिक्स स्टैक है, वो केसेस। चलो केसेस में हम बात करते हैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन। ये तो आपको छोटा छोटा चीजें हैं कि इसमें हाइपरलिंक नहीं है, तो हाइपरलिंक नहीं तो डाला क्यों? नंबर वन। दूसरी बात है ये दो केसेस हैं। फिर मैंने कहा था कि ये जो प्रॉस्पेक्टस है 2020 का, ये अपडेट किया, यूजीसी का एडमिशन फॉर्म भेजा किया, ये पीडीएफ दिया। क्या ये पीडीएफ होना जरूरी था या ऑनलाइन होना जरूरी था? ऑनलाइन होना जरूरी था। तो लेकिन क्यों पीडीएफ क्यों करके रख दिया? ये तो पता नहीं, नहीं पता नहीं क्या सर ने कि पीडीएफ क्यों करके रख दिया, इसके पीछे कारण क्या है? अभी अगर इंफॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि आज की डेट में अगर ऑनलाइन काम कर रहे हैं, ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है, तो क्यों फॉर्म ऑनलाइन नहीं भरे जा सकते क्या? भरे जाते। तो हम लोग थोड़ा सा भरे जाते हैं सर फॉर्म। हाँ, कंटेंट केसेस में हम बात करें थोड़ा सा, तो है आप देखो केसेस में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है, आप ये लिंक को देखो, गैलेंस देखो, ऑटोनॉमी संचार और ये सारे इन्फॉर्मेशन, कुछ वेबसाइट में इन्फॉर्मेशन है और कुछ इन्फॉर्मेशन हमें समझ नहीं आया। सिलेबस के केसेस में हमने देखा था, न्यूज लेटर के केसेस में भी देखा था कि हमारे जो इन्फॉर्मेशन है, किस कुछ कंटेंट जो है हम अरेंज कर पा रहे हैं, कुछ अरेंज नहीं कर पा रहे हैं, और कुछ कुछ की वेबसाइट की जो लिंकेज हैं वो लिंक इफेक्टिव हैं, कुछ की इफेक्टिव नहीं है। अगर हम थोड़े से सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से चलें, सिलेबस में आप देखो कि एमसीए के सिलेबस आते हैं डायरेक्ट पीडीएफ हो जाते हो रही है ना। हाँ, जो ये सेक्शन वाइज बढ़ सकते थे, ये सेक्शन वाइज बढ़ सकते थे कि नहीं, मतलब ये मॉड्यूल वाइज बढ़ सकते थे, सेमेस्टर वाइज बन सकते थे या नहीं, बन सकते थे या नहीं? यस सर, लेकिन नहीं बन सकते थे सर, बन सकते थे। अब जैसे ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स के लिस्ट में हम लोग आते हैं, ओल्ड क्वेश्चन लिस्ट में जो हम कलेक्ट करते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन क्या है, क्या है ये, व्हाट इज इट, क्यों हुआ है सर? ये माइनिंग कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं? माइनिंग, ये माइनिंग है प्रैक्टिकल बेसिस में, ये माइनिंग है। और इस माइनिंग को समझने जब आप यूजर इस पे क्लिक करता है तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, जब इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो यूजर क्या सोचेगा? तो फिर ये जो वेबसाइट का जो इम्पोर्टेंस है, ये इम्पोर्टेंस एरिया है। चलो ये तो केसेस है, इमेज माइनिंग केसेस में हमने देखा इमेज मेरी कॉपी है, तो कभी इमेज केसेस में देखेंगे ये जो ग्राफ्स है, ये इमेज है, इसको कॉपी अगर हम करते हैं तो ये इमेज फॉर्म में कॉपी होता है। जरा आप देखो तो ये जेपीजी फॉर्म में इसमें जाता है और इसका साइज क्या है। कुछ लोग जो है पीएनजी में ही अपलोड करते हैं, क्या करते हैं पीएनजी में अपलोड। नतीजा क्या होता है कि वेबसाइट का जो परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज होता है। क्या होता है? परफॉर्मेंस डिक्रीज। तो कंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें कि ये जो वेबसाइट है, ये जो कंटेंट में अवेलेबल है, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये जो कंटेंट है, वो कंटेंट उसी से रिलेटेड है क्या? सही बात है। अगर हम स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट को केवल मतलब ये होना चाहिए कि जो हमें इंफॉर्मेशन मिली वो इफेक्टिव इंफॉर्मेशन है, ओके। और रही बात ये है कि अगर लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो स्टूडेंट यहाँ से ऑनलाइन लर्निंग कर सकता है। अगर हम बात करते हैं इसकी कॉन्टेक्स्ट की, कि हम जो है एडमिशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो एडमिशन सेक्शन वाले जो है ये बताएंगे कि हम एडमिशन ऑनलाइन दे सकते हैं या नहीं, क्या सबमिट कर सकते हैं, नहीं तो उसे तो अगर हम इस जो कंटेंट है, इस कंटेंट को जब हम चेक करते हैं, तो आगे जब सॉफ्टवेयर कंपनी में आप लोग काम करोगे तो आप देखोगे ये जो कंटेंट है उसके लिए डॉक्यूमेंट मैनेजर अलग होते हैं। क्या होते हैं? डॉक्यूमेंट मैनेजर और डॉक्यूमेंटेशन मैनेजर होते हैं, जो जिनका रोल ही यही होता है कि ये डॉक्यूमेंट को कैसे मैनेज करें और किस ढंग से उसको ऑर्गेनाइज और रीऑर्गेनाइज करें, ओके।
इस केसेस में हम थोड़ा सी केसेस में हम बात करते हैं, ये कंटेंट माइनिंग का एक पार्ट जो आज के अंदर हम लोग बात कर रहे थे कि हम कंटेंट कैसे करें, कैसे डेटा को क्रिएट करें, कैसे लिंक शेयर करें। उसके बाद दूसरा जो टैक्सोनॉमी है वो है स्ट्रक्चर माइनिंग। तो स्ट्रक्चर माइनिंग में ये जो फॉर्म्स हैं, जो लिंक है, सेम रेलेवेंट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब देखो ये गूगल पे जा रहा है डेटा और गूगल से डेटा हम लोग ले रहे हैं। अब यहाँ पे जो है एम्प्लॉयर फॉर्म ये भी गूगल पे जा रहा होगा, एलुमनी फॉर्म सीओ भी जा रहा है गूगल पे। अब ये जो ऑनलाइन फॉर्म्स हमने माना टू केसेस टेक्नोलॉजी कंट्रोल कॉलेज कैरियर लाइब्रेरी कैरियर प्लेसमेंट इवेंट एक्सेस कोर्स एंड सी एंड इन्फॉर्मेशन है कि हम लोगों ने कब क्या किया है। उसके बाद हम जो एजुकेशनल टूल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, ये जो लिंक है इसको हम लोग स्ट्रक्चर माइनिंग के पार्ट में रखते हैं। इसमें स्ट्रक्चर माइनिंग की हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, किस तरह से स्ट्रक्चर है, कैसेस में है। लेकिन ये सारे चीज जो है और भी ज्यादा स्ट्रक्चर वे में हो सकते हैं। अभी इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इस वेबसाइट को देखते हैं तो इसमें सीधा है कि हमारा साइंस ब्लॉक कैसे करता है, आर्ट ब्लॉक कैसे करता है, कोड और कोरोना वायरस कैसे फिक्स करते हैं। हम लोगों ने सोशल मीडिया की बात, ऑफर एंड हॉलीडे रखते हैं क्या है, ये सारे चीज उसने दी क्या, एडमिशन किस तरह से, एडमिशन है ये अलग, एडमिशन के लिए अलग है या नहीं है, रिसर्च के लिए अलग है या नहीं है, अलग है, इवेंट के लिए अलग है या नहीं है, और यूनिवर्सिटी के बारे में। लेकिन अगर हम सुबोध कॉलेज की वेबसाइट को देखें तो इसमें हमको दिखता है कि पता नहीं है, सब कुछ मिला जुला लगता है, नहीं मिली जुली सरकार बनती है, हैं ऐसा दिख रहा है क्या आपको? यस ऐसा दिख रहा है क्या आपको? तो अगर कोई स्टूडेंट आता है, या मान लो कोई स्टूडेंट या कोई यूजर आता है, यूजर मतलब स्टूडेंट भी हो सकता है, पेरेंट भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, हां तो जो यूजर आता है और वो जानने की कोशिश करेगा तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होगा या उसको ज्यादा एफर्ट करनी है? और आप अगर किसी शॉप पे जाते हो और आपको एक घंटे से ज्यादा वेट करना पड़ता है तब आप क्या करते हो? अरे क्या करते हो? वेट करना पड़ता है जब तक वो करना है। वेट करते हो, शॉप छोड़ के भाग जाते हैं? नहीं 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 सर नहीं। तो वेट करके टाइम पास करते हो? हैं नहीं सर, देखते रहते हैं उसकी शॉप को। विनोद बोल रहा है, विनोद क्या बोल रहा है, बोल रहा है विनोद, आवाज नहीं आ रही विनोद का। मान लो किसी शॉप पे अगर आपको आधे घंटे से ज्यादा वेट करना चाहिए और इन्फॉर्मेशन नहीं मिले तो आप शॉप पे क्या करोगे? शॉप छोड़ के चल जाओगे या वहीं पर बैठे रहोगे? तो सेम केसेस है जो आपने वेबसाइट बनाया, अगर उसको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है और इन्फॉर्मेशन मिलने में किसी तरह की डिफिकल्टी होती है तो वो यूजर क्या करेगा, वेबसाइट छोड़ के चला जाएगा और वो कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था देखेगा। जब वेबसाइट का अल्टरनेटिव व्यवस्था वो देखने लगे, इसका मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट जो यूजर आपको बनाया है, जो डेवलपर है, वो उसने वेबसाइट को सही ढंग से अरेंज नहीं किया था, इसीलिए यूजर आपको छोड़ के भाग गया है। ओके Yes, sir. उसके बाद जब हम बात कर रहे थे लिंक माइनिंग की केसेस में, मैसेज और ये सारा चीज है और के कोर्सेज हैं, किस तरह के कोर्सेज अपन चलते हैं, आप देखो कोर्सेज पे कोई लिंक नहीं है, है क्या, है क्या? Nice. ये कोर्सेज का केवल नाम है, अब यूजर को पता ही नहीं चलेगा yes, कि कोर्सेज के अंदर हम लोग कैसे यूज करते हैं, है ना? Yes, sir. तो ये भी एक समस्या का कारण है कि यूजर को पता ही नहीं चल रहा है करना क्या है, यूजर को पता ही नहीं चल रहा है करना क्या, पता ही नहीं चल रहा, यूजर कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया मैं एडमिशन लेना है या नहीं लेना है, एडमिशन लूंगा तो कैसे लूंगा, क्या कोर्स होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा। अभी एक और एग्जाम्पल मैं बताऊँ क्या हुआ, अभी कुछ दिन लगभग 5-7 दिन के अंदर ही आप देखोगे कि वर्चुअल रियल इस्टेट के नाम का एक कंपनी बन रही है, उसमें 360 डिग्री वेबसाइट बनी थी। उसमें क्या है कि आप जो है वर्चुअली भी सारे चीज देख लोगे, किस जगह पे कहाँ प्लॉट है, किस प्लॉट पे है, प्लॉट का लोकेशन क्या है, उस लोकेशन का
इंफॉर्मेशन क्या है और इंफॉर्मेशन का पेमेंट मेथड क्या होगा, क्या मैकेनिज्म होगा, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द चेंज. ओके क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है ऑलरेडी रेक्टिफाई हो रही है. तो आप देखो कि ये जो कॉलेज की वेबसाइट है, इस कॉलेज में कितनी सारी विसंगतियां हैं, दिख रहा है क्या आपको विसंगतियां? वेबसाइट पे विसंगतियां दिख रही है या नहीं दिख रही है? हाँ, यस सर. तो अब जो है टेक्स्ट माइनिंग के पॉइंट में जो हम बात करते हैं, हम स्ट्रक्चर माइनिंग की बात देखते हैं, तो हमको समझ में आ रहा है कि ये सारी विसंगतियां हमें दिख रही है और ये विसंगतियां को हमें रेक्टिफाई करने के लिए मैकेनिज्म ढूंढना पड़ेगा. ऐसा लग रहा है क्या आपको? और इसको सही, क्योंकि वेबसाइट में कंटेंट तो बहुत ज्यादा है, कंटेंट की कमी नहीं है, लेकिन कंटेंट तो ऑर्गेनाइज नहीं है जिससे सारा शोकेस नहीं होता है. जैसे अब हम बात कर रहे हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट की, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जो कंटेंट है वो कंटेंट ऑर्गेनाइज जैसा दिखता है, दिखता है ना ऑर्गेनाइज या नहीं? अरे ऑर्गेनाइज दिखता है या नहीं दिखता? चलो ऑक्सफोर्ड के मतलब अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें, दिखता है सर. एक छोटी सी बात बात करते हैं, हम लोग जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, उसके स्ट्रक्चर को भी देखने की कोशिश करते हैं, तो हमें लगता है कि भाई ये भी एक यूनिवर्सिटी है और ये कैंपस है. अब देखो ये क्लियर कट बात कर रहा है ना? यस. और हम लोग ऐसा सैंडविच ऐसा क्यों बना कर रखते हैं? क्यों बना रखा है, क्या कारण है? देखो मैं बनाने वाले क्यों करे, किस तरह से उसने बनाने वाले की या बनवाने वाले के दोनों की है सर इसमें. तो आप अगर बनवाने वाले की है सर, बनवाने वाले की है, लेकिन फिर भी जो है जो वेब डेवलपर है अगर वो सही ढंग से मार्गदर्शन दें और वेब डिजाइनर जो है वो सही ढंग से काम करें, तो आपको नहीं लगता कि वेबसाइट ज्यादा अच्छा हो जाएगा और हमें हमारे यूजर को ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी? यस सर. और अगर यूजर को ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो यूजर जो है इस वेबसाइट का ज्यादा यूज करेगा. अब हम बात करते हैं थर्ड इम्पोर्टेंट, जो स्ट्रक्चर के बारे में आपने बताया, थर्ड इम्पोर्टेंट पैरामीटर की बात करते हैं जो है यूजेज माइनिंग. क्या है स्ट्रक्चर? फर्स्ट तो कंटेंट है, दूसरा जो है स्ट्रक्चर है, और थर्ड जो है वो ही यूजेज माइनिंग. क्या है यूजेज माइनिंग? वेबसाइट के जो कंटेंट है उस कंटेंट को यूजेज की मतलब उस कंटेंट का किस पार्ट में आपका यूजेज. अगर मैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, आपसे पूछूं कि आप जो है ये वेबसाइट पे जाते हो तो क्या देखना चाहते हो? अगर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आता है तो वो देखेगा भैया उसको एडमिशन से मतलब है. क्या मतलब है एडमिशन और फीस? क्या उसको इससे मतलब है कि मैसेज क्या है? उसको मतलब है क्या? नो सर. उसको मतलब है कि जो कोर्स वो चाह रहा है वो कोर्स है या नहीं? नंबर वन. ओके. दूसरी बात है वो कोर्स के लिए फैसिलिटी क्या है? नंबर टू. उस कोर्स को पढ़ाने वाले कौन है? नंबर थ्री. ओके. और चौथा यह है कि कोर्स का फी स्ट्रक्चर क्या है? नंबर फोर. ओके. और पांचवा क्वेश्चन है कि उसकी रिकॉग्निशन क्या है? इसके अलावा उसको कुछ चाहिए क्या? नो सर. 2000 एकड़ का लैंड चाहिए क्या उसको? नो सर. नो. या फुल्ली जो है 2000 लोगों को बैठने के लिए एक जो है क्लासरूम हो जाएगा तो काम हो जाएगा क्या? नो सर. मतलब कैसे चीज जो उसको चाहिए वो इंफॉर्मेशन मिले कोर्स से रिलेटेड चीज. अगर मैं उस बंदे की बात करूं तो इस वेबसाइट का कितना परसेंट पार्ट उसके काम का है? बहुत से बहुत 20%. चलो अब अगर हम बात करते हैं जो बच्चे पढ़ रहे हैं ऑलरेडी रेगुलर कोर्स हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो ये पता करना होता है उसको कि हमारा जो है रिजल्ट कब होगा और एग्जाम कब होगा.
और हमारा शेड्यूल क्या है, इसके अलावा कुछ पता yes. है, कुछ जरूरत है क्या उसको? नो सर, उसको तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर में बात करना है कि एग्जाम कब होगा, नंबर वन किस तरह की एक्टिविटी चल रही है, नंबर टू और कौन सा एक्टिविटी में हमें पार्ट करना है, नंबर थ्री और जो है ये केसेस में बात कर रहे हैं कि हमारा शेड्यूल क्या है, हमारा स्ट्रक्चर क्या है, उसके अलावा उससे कोई मतलब है क्या उसको? नो सर. उसके बाद अगर हम बात करते हैं जब आप पास कर जाओगे तब हम इस कॉलेज की जो इन्फॉर्मेशन है, जो वेबसाइट है, उस इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पे क्या दिखाना है आपको, क्या मतलब है कि आपका जो है ऑलरेडी जो रिजल्ट आप पास जो है उसका डेटाबेस है किसी, ये आपको चाहिए या नहीं चाहिए? अरे आप पास किए हो इस कॉलेज से तो आपका नाम और रोल नंबर और फादर नेम या कॉन्टेक्ट केसेस ईयर ऑफ पासिंग इसमें चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए सर. चाहिए, लेकिन है क्या? नहीं सर. तो माइनिंग का समझ में आया कि मैं माइनिंग करके क्या निकालना चाह रहा हूँ? यस सर. मतलब आप इस वेबसाइट का एक पोस्टमार्टम कर रहे हो और ये पता करने की कोशिश करोगे वेबसाइट में किस तरह की विसंगतियां हैं और कितनी सारी विसंगतियां हैं है या नहीं? Yes, sir. अब क्वेश्चन ये है कि जब हम यूजर माइनिंग की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बच्चे को केवल मतलब ये है कि बच्चे एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन ले पाए, फीस को सबमिट कर पाए और जो है रिजल्ट को सही ढंग से देख पाए और रिजल्ट को डाउनलोड कर पाए, ये सारी फैसिलिटीज वेबसाइट पे है या नहीं? अगर ये वेबसाइट पे सारी फैसिलिटी है, इट मींस वेबसाइट इज रिलेवेंट, रिलायबल और ऑथेंटिक एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टूडेंट. और अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं है तो वेबसाइट पे स्टूडेंट क्या करेगा, इधर उधर घूमेगा, फिर अपने दोस्त से बात करेगा, फिर अपने घर में बात करेगा, फिर टीचर के पास आएगा, टीचर उसको सही जवाब देंगे नहीं, वो जवाब जो मांग रहा है वो मिलेगा नहीं, फिर वो फिर अपने दोस्तों से बात करेगा, फिर इधर ढूंढेगा उधर मिलेगा और उसके बाद कुछ कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया वही लेके बैठ जाएगा. यस सर. अगर हम स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वेबसाइट का जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर पॉइंट है कि वेबसाइट का मतलब वेबसाइट इज जस्ट लाइक ए विजिटिंग कार्ड ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज. ओके, और वो विजिटिंग कार्ड आप बना रहे हो और विजिटिंग कार्ड में अगर इन्फॉर्मेशन आप सही नहीं रखते तो फिर इन्फॉर्मेशन में बहुत सारी एम्बिगिटी है जो यूजर, खासकर यूजर किसी लेवल का यूजर, यूजर को डिफिकल्टी का सामना करना ही पड़ेगा, है ना? Yes. Yes, sir. तो हम वेब माइनिंग करने का मतलब ये है कि वेबसाइट, ये तो छोटा सा एग्जांपल है कि हम एक वेबसाइट की वेब माइनिंग कर रहे हैं. अब हम बात करते हैं, हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि क्या, एक छोटा सा एग्जांपल मतलब मैं क्वेश्चन बता, क्या हम लोग हवा से पानी बना सकते हैं? No, sir. अगर हवा से नहीं बनता है तो आप कभी देखो कि कार के, आप सुबह उठते हो तो कभी पत्ते के पास पानी कहाँ से आ जाता है? अरे पेड़ के पत्ते पर पानी कहाँ से आ जाता है? बारिश नहीं भी होती तो भी आ जाता है नीचे. फिर आपने गाड़ी जो है अगर बाहर छोड़े तो वो भी थोड़ा सा गीला दिखता है, ये कहाँ से आ जाता है? प्रॉब्लम से भागने से सोल्यूशन नहीं निकलेगा, प्रॉब्लम से लड़ना पड़ेगा. ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है कि जो आप वेबसाइट्स की बात कर रहे हो तो प्रॉब्लम आपके दिमाग में छोटा सा बात आ रही है, अभी मैंने छोटा सा बताया क्या हवा से पानी बन सकती है, आपने कहा नहीं, पर हवा से पानी बन रही है या नहीं? Yes, sir. तो आपने नहीं बोला, ये क्वेश्चन ये बता रहा है कि आप प्रॉब्लम से भागना चाह रहे हो. अब जब भी बात है कि इन्फॉर्मेशन मैंने कहा कि हवा से पानी बन सकती है तो पानी बन रही है, अब ये पानी कितना बन रहा है, किस ऑथेंटिकेशन बन रहा है, कैसे बन रहा है, क्या प्रोसेस है, क्या मैकेनिज्म है, इसको जानने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा. क्या पढ़ना होगा? नॉलेज पढ़ना पड़ेगा. और जब हम पढ़ेंगे पढ़ना. जब हम पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन,
एक बहुत बड़े फिलोसफर ने एक बात कही है कि नो स्टडी नो कंप्लीट। क्या कहा है? नो स्टडी नो कंफ्यूजन, और मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। इससे बेहतर है कि हम स्टडी करें ही नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए तो ऊपर नहीं ना। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, हां मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, जितना पढ़ लो उतना कंफ्यूजन। कैसे बेहतर है पढ़ना ही नहीं, बोलना चाहिए है ना। सीधी बात यह है कि हम मोर स्टडी मोर स्टडी नहीं करेंगे तो कंफ्यूजन होगा नहीं, क्योंकि हमें नॉलेज होगा नहीं। और जब मेरे को नॉलेज नहीं होगा तो मेरे क्वेश्चन पूछेगा नहीं, और पूछेगा तो मैं गलत बताऊंगा। तो जिसको बताया उस केसेस में क्या होता है कि जब आपने उसको बताया, आपको नॉलेज है नहीं, आपने बता दिया, तो वो नॉलेज पोल्यूशन है। क्या है? नॉलेज पोल्यूशन। और नॉलेज पोल्यूशन इज आल्सो इज अ बिग पनिशमेंट लॉ। अभी नहीं है, कानून नहीं बनी है नॉलेज पोल्यूशन का, लेकिन अगर कानून बन गई तो सबसे ज्यादा जो है भारतीय ही मरेंगे, क्योंकि भारतीय तो जो केसेस है, मैं इंडियन कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैक्सिमम केसेस में बहुत सारे लोग जो हैं नॉलेज नहीं होने के बाद भी नॉलेज दे देते हैं। नॉलेज नहीं होने के बाद भी नॉलेज दे देते हैं, और दूसरी बात सुनते नहीं। ये कहानी थी, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। उसमें क्या है कि एक आदमी था किसान, उसका एक हाथी जो है बीमार हो गया था। वो जो है अपने बैल के साथ रहता था और हाथी भी रखता था। उसके पास एक बैल था, वो भी बीमार हो गया, हाथी भी बीमार, ठीक है। तो वो बड़ा टेंशन में था। वो टेंशन होने के बाद क्या हुआ कि एक आदमी ने पूछा कि देखो मेरा बैल जो है बीमार है, खेत जोतने में दिक्कत हो रही है। तो उसने बोला कि ठीक है, वो जो मुखिया जी हैं चौधरी साहब, उनका भी बैल इसी तरह से बीमार हो गया था। तो वो बोला कि अच्छा जाके पता करता हूँ। तो वो गए मुखिया जी के पास और बोले कि मेरा बैल बीमार हो गया, आपका बैल बीमार हुआ था तो आपने क्या किया था? तो उन्होंने बोला कि मैं जो हूँ मैं अपने बैल को तुम्हें केरोसिन पिला दिया, तो केरोसिन ऑयल पिला दिया था 2 लीटर। वो पूरी बात सुना नहीं और वो भाग गया वहाँ, और वो जाके 2 लीटर पिला दिया, ठीक है। वो बोला सुनो तो, बोला नहीं नहीं समझ गया मैं प्रोविजन निकाल लूंगा, ठीक है। वो गया और जाके फिर अपने बैल को पिला दिया, बैल जो है फिर मर गई। बैल क्या हुआ? बैल मर गई। फिर वो बहुत गुस्से में हुआ कि गया मुखिया जी के पास। मुखिया जी बोले कि यार एक बात बता, तूने मेरे को ऐसा बात बोला था। बोला कि मेरी बात पूरा सुना कहाँ तूने, बैल तो मेरी भी मर गई थी लेकिन तूने सुना ही नहीं। तो होता क्या है कि इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पूरी इंफॉर्मेशन लेना नहीं चाहते ना, और इंफॉर्मेशन नहीं लेने के कारण क्या है, हम सुनना भी नहीं चाहते, और हम लोग प्रीअम्स करा देते हैं कि हमको सब कुछ पता है। क्या करते हैं? प्री अज्यूम कर लेते हैं कि हमको सब कुछ पता है, जो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम का प्रॉब्लम दैट वी कॉल द नॉलेज डिल्यूशन, ठीक है। तो हम छोटा सा इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि इंफॉर्मेशन बात कैसे लिंक और किस तरह से हमारे वेबसाइट पे लोग आते हैं। कहते हैं एक वेबसाइट है academia.com, जो वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहां पे ये भी बता देता है कि आपकी वेबसाइट पे कैसे लोग आए और किस पाथ पे आए। तो यूजर माइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो यूजर माइनिंग से ये पता चलता है पूरी वेबसाइट पे हिट का मतलब क्लिक, क्या कौन सा ऐसा पेज पे आके ज्यादा क्लिक होता है। और आप देखोगे ये स्मूथ कॉलेज की वेबसाइट पे सबसे ज्यादा क्लिक करने वाला क्या है, होम है नहीं, अबाउट अस है नहीं, क्लिक है मैसेज है नहीं, कोर्सेस है मेबी, लेकिन ये जो है आने के बाद इसको इंफॉर्मेशन मिले नहीं मिले तब क्या होगा, मतलब यूजेज वाला कोर्सेस है। सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से ये डाउनलोड सेक्शन में होगा, इसकी ज्यादा कोई जरूरत है नहीं, लेकिन यहाँ पे सिलेबस डालने की जरूरत नहीं, तो सेक्शन में डाल देना ज्यादा समझदारी। ये जो है रैंकिंग केसेस में ये छोटा सा चीज है कि हम जो अलग से नया कोई बड़ा चीज नहीं है, वेरी सिंपल थी कि हम एक्ट और रिकॉग्निशन को एक जगह रखें, अपनी वेबसाइट को करें थोड़ा सा वेबसाइट को हल्का करें, वेबसाइट को हल्का करने से क्या होगा हमें बहुत जगह मिल जाएगी अपनी वेबसाइट को एक्सपोज करने का, मिल जाएंगे
गैलरी से उसको कोई मतलब है, बच्चे को कोई मतलब है? मतलब ये नो है कि सर, जब फंक्शन होंगे तो देखेंगे हम तो किस तरह की फंक्शन, ये सब स्कूल वाले बच्चे की जरूरत होती है, कॉलेज वाले बच्चे को जरूरत नहीं है। कॉलेज वाले को बच्चे हैं कि हमारे यहाँ किस किस प्रोजेक्ट हो रहे हैं, हमें किस किस प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, समझ रहे हो? और इस प्रोजेक्ट पे किस तरह के इंफॉर्मेशन हम ले सकते हैं, और किस तरह से प्रोजेक्ट हम डेवलप कर सकते हैं, किस तरह के प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकते हैं, वो प्रोजेक्ट कैसे पब्लिक के बेनिफिट। ओके, दूसरा जो है यूटेक की बात करते हैं, मैं यूटेक माइनिंग के पॉइंट में से एक कोर्सेस हैं, गैलरी और कॉन्टेक्ट तो है, दूसरा एक पोर्शन है कॉन्टेक्ट आते हैं, कॉन्टेक्ट उसमें यहाँ कोई फीडबैक फॉर्म नहीं है, अगर ये फॉर्म होता तो डायरेक्ट फीड हो जाता, ये डायरेक्ट मेल देने के लिए बात कर रहा है, जबकि नियम के अनुसार यहाँ पे एक फॉर्म क्या होनी चाहिए, होनी चाहिए, क्योंकि सभी लोग जो है सुबोध कॉलेज आके विजिट नहीं करें, हो सकता है कुछ लोग ऑनलाइन क्वेरी भी करें, ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन भी मांगे और हमें देने हो, तो ये थोड़ा सा जो है हमारा सिस्टम है। मतलब कि अगर हम इस वेबसाइट को देखें तो एक कोर्सेज है और दूसरा कॉन्टेक्ट है, इस इन्फॉर्मेशन को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है, अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन पोर्टल देखते हैं, तो ये जरूरत तब होती है जब बीच वाला केस, मतलब यूजेज वाला पार्ट ये भी है। उसके बाद जो है, उसके बाद थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन अगर हम बात करते हैं, ये एक अलग सेक्शन है जिसका कोई जरूरत नहीं यहाँ पे। अब ये इन्फॉर्मेशन लिंक केसेस है, तो ये जो है वेबसाइट बल्कि दिख रही है लेकिन वेबसाइट पे जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो नहीं। और अगर इसी वेबसाइट को हमने थोड़ा सा वेबसाइट को स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, एक छोटी सी केसेस वेबसाइट में दो क्या लिखा है, छोटी सी वेबसाइट है, ये बल्कि दिख रही है, ऑर्गेनाइज दिख रही है, इसमें सीधा सा मतलब एकेडमिक्स क्या है, क्लियर कट एकेडमिक्स सीधा स्कूल सेंटर में आ गए ना, यहाँ पे ये पूरा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है कि कब एडमिशन होगा, क्या इवेंट होगा, क्या नॉन इवेंट क्लोज है, मिल गया ना? Yes, मिल गया ना? अबाउट यूनिवर्सिटी, किस तरह का रैंकिंग मिल रहा है, किस सेंटर में आ रहा है, किस स्टूडेंट का क्या रेशियो है, किस स्टूडेंट का क्या काम, किस तरह के है, कहाँ ऑफिस है, किस तरह का है, किस तरह से काम करती है, किस तरह की फैसिलिटी है, क्लोज दिस चैप्टर। यस, अब इस चीज को थोड़ा सा अगर मतलब एकेडमिक्स के बाद हम बात करते हैं एडमिशन, सीधा प्रवेश। अब एडमिशन सेक्शन में आए, लोगों को पता चलेगा कि कब कब नोटिस मिल रही है, क्या प्रोसेस है, डाउनलोड कर लो, फॉर्म भर दो, हो जाएगी। और हम अपने यहाँ क्या घुमा रहे हैं, देखो भाई माइनिंग कर रहा हूँ मैं, बुराई नहीं कर रहा हूँ कॉलेज का, आई एम जस्ट माइनिंग द, मतलब एज ए एक्सपर्ट आई एम जस्ट सेइंग दैट कुछ अच्छी चीज भी है, लॉट्स ऑफ अदर थिंग, बट हम इसको ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रीऑर्गेनाइज नहीं कर रहे हैं। और ये अगर हम रीऑर्गेनाइज इसको सही ढंग से कर लेंगे तो वेबसाइट विल बी वेरी इफेक्टिव, वेरी रिलायबल और वेरी 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 कैरिस्मेटिक। लेकिन क्या है कि सब कुछ होने के बाद भी हम जो है उसको शोकेस नहीं करते, ऐसा नहीं कि हमको नहीं आता लेकिन हम नहीं करें। इसके पीछे जो भी केसेस है, मेरा कहने का सीधा सा मतलब है कि एज ए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूजर्स और इंफॉर्मेशन डेवलपर डिजाइनर, आपको डेटा माइनिंग करनी होगी और डेटा में पता करनी होगी। अब हम थोड़ा सा, ये तो हो गई थोड़ी सी कि किस तरह से माइनिंग होती है, अब हम थोड़ा सा एग्जाम्पल गूगल पे चल के देखते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोल रहा था। कल गूगल पे चलते हैं और गूगल पे हम जाने की सोच रहे कॉलेज इन राजस्थान, क्या लिख रहे हैं हम लोग, कॉलेज इन राजस्थान, ठीक है। अभी कॉलेज इन राजस्थान जो है ये इन्फॉर्मेशन मिली और ये इन्फॉर्मेशन के बेस पे उसको जो है इन्फॉर्मेशन, अब जो है टोटल कॉलेज ऑफ राजस्थान की बात करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, टोटल कॉलेज इन राजस्थान, कोई डेटाबेस आ रहा है, कोई डेटाबेस आ रहा है, टोटल ये इन्फॉर्मेशन कितने हैं, कितना देखना जरा, क्या है इन्फॉर्मेशन, मोर देन टू, पांच करोड़ क्षेत्र में। हम थोड़ा सा की बात करते हैं इस चीज को, अगर हम थोड़ा सा और स्टैक करते हैं, देखो कि माइनिंग केस हमने कुछ कोटेशन लगाए इसमें और एक कोटेशन लगा के लिंक किए, अब इन्फॉर्मेशन कितना आ रहा है, फोर,
क्या मीनिंग हुआ? चलो एक छोटी सी बात ये है, मैं एक ही काम करता हूँ, मैं एक और छोटी सी बात है, प्रोफेसर रिपु रंजन सिन्हा लिख देता हूँ। अब ये प्रोफेसर रिपु रंजन सिन्हा कौन है ये गूगल क्या बता सकता है? बता रहे ना? Yes, sir. Relevancy point of view से अगर हम बात करते हैं प्रोफेसर रिपु रंजन सिन्हा के केसेस में, इमेज को बिल्कुल दिख रहा है कितने सारे इमेज है प्रोफेसर रिपु, इसका मतलब प्रोफेसर रिपु रंजन सिन्हा कहीं ना कहीं लिंक है, बहुत सारे लिंक जगह पे हैं, है या नहीं? तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, लॉट ऑफ एक्टिविटीज आर देयर, लॉट ऑफ कंसेप्ट आर देयर, लॉट ऑफ क्वेश्चन आते हैं। सो इन दिस कंसेप्ट अगर हम प्रोफेसर रिपु रंजन को थोड़ा सा और फेसेस करें कि ऑन में जाते हैं तो हमारे पास 26,000 रिजल्ट आते हैं 0.3 सेकंड में, और इसको हम थोड़ा सा और कोड के अंदर डालते हैं तब जो है ये आपका आउटपुट जो है 66 रिजल्ट आता है, कितने 66। तो ये क्या हुआ, मानी हुआ या नहीं हुआ? आप प्रोफेसर रिपु रंजन सिन्हा को केवल जानते हैं, हो सकता है कि जो डेटा आपके पास है वो डेटा डुप्लीकेट डेटा हो, लेकिन अभी आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन क्या है, क्या है? और अब आप प्रोफेसर रिपु रंजन सिन्हा के बारे में ये भी पता कर सकते हो कि ये कौन है, क्या करता है, किस तरह से काम करता है, और क्या किसकी जगह इन्वॉल्व है, और किस तरह के नॉलेज ये बंदा रखता है, और ये कहाँ कहाँ क्या काम कर रहा है। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो माइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन लोग बात करें इस चीज को और थोड़ा सा, अगर हम बात करें, अगर हम बात करते हैं इससे रिलेवेंसी की, तो एक पीडीएफ लिख देते हैं। अब देखो कि प्रोफेसर रिपु रंजन सिन्हा का पीडीएफ कोई लिंक मिल रहा है, उसको कहीं ना कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, गूगल को मिल रहा है ना? यस सर। अब यहाँ देख लो, यहाँ क्या बोलता है, सुरेश ज्ञान दिख रहा है, ये सारा चीज दिख रहा है, इंटरनेशनल आईसीटी दिख रहा है, ये सारे जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रहा है? अगर हम इस वेबसाइट के थ्रू जाते हैं तो हमको पता चलता है कि हम माइनिंग करने के बाद ये इन्फॉर्मेशन क्या बता रहा है। मैं केवल आपको माइनिंग करके दिखा रहा हूँ कि हम किसी इन्फॉर्मेशन को कैसे माइन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को कैसे माइन कर रहे हैं, और इस बारे में आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि आज तक हम नहीं जान रहे कि प्रॉब्लम रिपु रंजन सिन्हा कौन था, और अभी इन्फॉर्मेशन ये भी है कि इसके बारे में हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिली, हु इज दिस, ओके, व्हाट ही इज डूइंग। यस, तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट अगर हम देखते हैं, फिर यहाँ पे देखते हैं इन्फॉर्मेशन, ये दिख रहा है कहीं कुछ कैसा है, ये कुछ का थीसिस पड़ा हुआ है, ये इसका चैप्टर पड़ा हुआ है ना, अरे पड़ा हुआ है ना? यस सर। अब जैसे दूसरे पॉइंट में देखो, ये अंडरटेकिंग लिखा है, क्या लिखा है, सुनील कुमार प्रेजेंटेड हुआ, इसमें जो है सुनील कुमार जो है साइन किया है, डॉक्यूमेंट साइन किया है, और ये सारे चीज जो है डॉक्यूमेंट साइन किया है, करने के बाद जो है हमने कैसे क्लियर किया है, और ये इन्फॉर्मेशन है, इस चीज में उसको क्या मिला, क्या इन्फॉर्मेशन मिल गई, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली क्या उसको? तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, या देखो इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, yes, sir. तो इसका मतलब yes, लोगों को ये लगा कि नहीं, समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज देयर, और आपको दो मिनट में ये भी पता चल गया कि इन्फॉर्मेशन को कैसे इसको राइट करते हैं, ठीक है। अब कहने का मतलब है, मैंने आप एक और भी बात कहा था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करते हैं, इंजीनियरिंग की केवल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वर्ड लिखते हैं तो हमारे पास कितने डेटा आते हैं, कितने डेटा आते हैं, और इसी चीज को अगर हम थोड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो इसको हम कोड के अंदर डाल देते हैं, तब क्या होता है, हमारे पास डेटा घट के रिड्यूस हुआ ना। अब इस चीज को अगर हम बुक की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बुक्स की बात, तो हमारे पास जो केवल विदाउट कोट अगर हम लिखते हैं तब क्या होता है, और विद कोट लिखते हैं तब क्या होता है, जरा देखिए, विदाउट कोट जो है हमने लिखा ये सारा चीजें, अगर विद कोट लिखते हैं तब क्या इन्फॉर्मेशन आती है, तो आपको यही दिख रही होगी कि जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन को पूरा सा प्योरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को कैसे माइन करें, ठीक है, दिख रहे हो इन्फॉर्मेशन। तो जब हम माइनिंग की बात करते हैं तो माइनिंग का मतलब होता है कि हम किसी
पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव से डेटा को ड्राइव करें, इंफॉर्मेशन को ड्राइव करें, इंफॉर्मेशन को एक्सेस करें, इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करें और उसको रीऑर्गेनाइज करें फॉर द पर्पस ऑफ इफेक्टिव इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएशन में, इसमें इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिएशन में, इसके बाद ही हमें पता चलेगा कि वेब माइनिंग जो टैक्सोनॉमी, चाहे वो कंटेंट माइनिंग हो, चाहे स्ट्रक्चर माइनिंग हो और चाहे वो यूजेज माइनिंग हो, ये तीन ही कॉन्टेंट को हमको देख के ही वेब माइनिंग हो, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है कि जो वेब माइनिंग की टेक्निक्स है, जो मेथड, इस मेथड को हम अपने डे टू डे लाइफ में कैसे क्या हो रिलेवेंट और रिलायबल, ओके। यस सर। तो आज के लिए थोड़ा सा मैं विराम लगाना चाहूंगा, ओके। अगर कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, मेरे अंदाज से मेरे को डाउट तो नहीं होनी चाहिए कि ये वेब माइनिंग क्या है, नहीं सर, क्योंकि मैं लास्ट पीपीटी स्लाइड जो मैंने बनाया है वो स्लाइड भी शेयर कर देता जब वो स्लाइड कंप्लीट हो जाए, अभी दो तीन लेक्चर के बाद वो पीपीटी स्लाइड होगी तो मैं वो शेयर करूंगा, ओके। लेकिन मिड माइल आप लोग को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन गैदर करनी चाहिए और मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, मेरा दिमाग एक ही बात कहता है कि आप लोग प्रोजेक्ट सेंट्रिक हो जाओ। अभी आप लोग काम क्या कर रहे हो, क्या कहाँ बिजी हो? अरे नहीं है तो मेरे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट की कमी नहीं है आपके पास, लेकिन काम करोगे तब बी रिक्वायर्ड वेरी सीरियस पीपल, वेरी सीरियस पीपल, ऐसा नहीं टाइम पास वाला नहीं, सुबह बोलो शाम में बात करो, इससे हमारी बेइज्जती होती है आपकी बेइज्जती। ओके नो प्रॉब्लम इन द केसेस ऑफ डीलिंग, अगर आपको जरूरत पड़ेगी और इन्फॉर्मेशन के लिए आपको जो है ट्रस्ट के केस में काम करो और वो सारे मीन बाय, मैं एक बार फिर कहूंगा कि आपको कंटेंट मैनेजमेंट मतलब कि कंटेंट माइनिंग के केसेस में और स्ट्रक्चर माइनिंग के केसेस में और यूजी माइनिंग के कंपैरेटिव स्टडी करके मेरे को दिखाओ और उसको उसको बताओ तो मैं ज्यादा हैप्पी फील करूंगा। बच्चे को ये समझ में आ गया कि वेब माइनिंग है क्या होगा, ठीक है। रही बात एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरी कुछ क्वेश्चन भी मैं दूंगा, अब पता नहीं एग्जाम किस मेथड में होगी, कोरोना के केस यूनिवर्सिटी का क्या स्ट्रक्चर होता है और यूनिवर्सिटी क्या गाइडलाइन देती है और जिस गाइडलाइन से देगा उसके अकॉर्डिंग में काम करेंगे, लेकिन फिर भी अगर हम यूनिवर्सिटी पैरामीटर को पूरा कर और आगे बढ़ें तो जो आपको एज ए स्टूडेंट और टीचर और जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट अगर वो करेगा तो प्रोजेक्ट के बाद उसकी कैरियर उसका भविष्य अच्छा बनेगा, ठीक है। एग्जाम पास करने से भविष्य नहीं बनेंगे, एग्जाम पास करना जस्ट लाइक ए पासपोर्ट परचेज करना, लेकिन वीजा के लिए वी हैव टू स्टडी हार्ड, ओके। एग्जाम पास करना इज जस्ट लाइक ए पासपोर्ट परचेज करना, तो उसका जवाब है उसको दे दो और यू विल गेट पासपोर्ट, बट इफ यू वांट टू गेट अ वीजा यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू इंप्लीमेंट अ प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजिकली, अदरवाइज इट्स वेरी 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 टफ टू गेट reliable and effective jobs, okay. Otherwise, lots of other options are there. So, एक चीज याद रखिएगा कि वेब माइनिंग जो है वेब माइनिंग सब्जेक्ट नहीं, मैंने पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के केसेस में मैंने आपको कुछ कहा था और मैंने कहा था एक प्रोजेक्ट बना के मेरे को दिखाओ और वो वेबसाइट बना था मैंने, क्या कौन सी वेबसाइट बोला था,
बोला था मैंने कि ई-कॉमर्स वेबसाइट एक डिजाइन, लेकिन मेरे को किसी ने रिपोर्ट नहीं बनाया। और अभी एग्जांपल ये इंटर नहीं है, इसको करना ही पड़ेगा। इवन सिक्स सेमेस्टर के जाने के बाद भी मैं आपको बता दूं, एक प्रोजेक्ट आपको बनाना ही पड़ेगा। अभी नहीं बना रहे हो तो भी प्रोजेक्ट आपको बनाना ही पड़ेगा, इससे बेटर है पहले बना लो, ज्यादा अच्छा समय मिल जाएगा। ओके, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।